नमस्कार, अपनी जोड़ी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समन और वारंट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि समन और वारंट क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं समन के बारे में। समन कोर्ट का एक आदेश होता है जो किसी इंडिविजुअल और डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया जाता है। केस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को भी कोर्ट में पेश करने के लिए समन भेजा जाता है। समन सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में भेजे जाते हैं। जिस पर्सन को समन भेजा जा रहा है, अगर वो घर पर ना मिले तो उसके फैमिली मेंबर को समन सर्व अगर कर दिया जाए तो अगर उसके फैमिली मेंबर को वो समन दे दिया जाए तो उसको माना जाता है कि समन सर्व हो चुका है। लेकिन अगर उसके घर पर कोई नहीं है और उसके घर पर उसका कोई नौकर है और नौकर के हाथ में अगर कोई भी प्रोसेस सर्वर समन दे के आ रहा है तो उस समन को सर्व नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि वो समन सर्व नहीं हुआ है। समन सर्व होने के बाद जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है तो उससे अपने ऊपर हुआ क्लेम का आंसर फाइल करने का ऑर्डर दिया जाता है। उसको समन मिलने के 30 दिन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करना होता है। ये तो मैंने आपको समन से संबंधित कई बातें बताई। अब बात करते हैं वारंट के बारे में। वारंट भी कोर्ट द्वारा ही इशू होता है। ये मोस्टली क्रिमिनल केसेस में होता है। वारंट से पुलिस के पास पावर होती है कि वो अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने पेश कराए। वारंट दो तरह के होते हैं, एक बेलेबल वारंट और एक नॉन बेलेबल वारंट। अगर किसी के नाम से कोई वारंट आया है तो इसका मतलब है कि उस पुलिस ऑफिसर को पावर है कि डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और उस केस में डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं अपीयर होता है, पुलिस को चकमा देता है, तो पुलिस के पास पावर है कि वो उसको कहीं से भी अरेस्ट करा के कोर्ट के सामने पेश करे और जब डिफेंडेंट कोर्ट के सामने पेश हो जाता है तो उसको अपनी बेल करवानी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है अगर कोई बहुत बार समन को निग्लेक्ट करे तो उसके खिलाफ वारंट इशू होता है। समन तो हो गया कि बहुत ही नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का कि अगर आपने कोर्ट में कोई केस फाइल किया है और आपको अपने ऑपोजिट पार्टी को जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है उसको आपको कोर्ट में बुलाना है तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने नोटिस और प्रोसेस फीस का फॉर्म वगैरह भर के देंगे और एक अपनी प्लेंट की कॉपी देंगे। जो जो एड्रेस जिस जिस एड्रेस पे आपको समन भिजवाने हैं आप वो एड्रेस कोर्ट में देंगे और उन एड्रेस पे समन जाएगा। अगर पहली बार समन जाने पे भी कोई अपीयर नहीं होता है तो दूसरी बार समन जाएगा। और अगर दूसरी बार पे अपीयर नहीं होता है और जो कंप्लेनेंट वाली पार्टी है वो ये चीज़ कोर्ट के सामने शो कर देती है कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो इंटेंशनली समन को अवॉइड कर रही है, कोर्ट के प्रोसीजर का मजाक बना रही है। और जब कोर्ट को ये समझ आ जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो इंटेंशनली कोर्ट के प्रोसीजर का मजाक बना रहा है, उसको इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो उस डिफेंडेंट के खिलाफ दस्ती समन जारी करे। अगर दस्ती समन में भी नहीं कुछ हो रहा है तो फिर वो वारंट इशू करते हैं। वारंट थोड़ा एक सीरियस तरह का अरेस्ट हो जाता है कि पुलिस जाती है और वो वारंट के बिहाफ पे अक्यूज्ड को कहीं से भी पकड़ के लाती है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है और इनका क्या मतलब होता है। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।